प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरु देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोंधुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमरै सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद्धिदाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम के फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीसे गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम।
कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चो वहां जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सोखा। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर, गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय समूह। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्षिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा सत्संग में पहुंचे। परमात्मा बताते हैं, कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो बहुत नहीं लगता डार। फिर कहते हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरिनाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकेट बलो न पूते,
छेरी के गल में गलथन जिसमें दूध न मूत। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर दे किस काम की जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रट हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में बलो ना चाम। परमपिता परमात्मा कबीर जी, हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को ये याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन आप जी को केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, लेकिन आप जी ने आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण इस मनुष्य जीवन का उपयोग उचित तरीके से नहीं किया। उसके विषय में बताते हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरिनाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जब से तुम हमसे बिछुड़कर यहां आए हो काल के लोक में, तब से तुम महादुखी हो, और जिस यहाँ के स्वामी काल ज्योति निरंजन, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, इसने आप जी को भ्रमित कर दिया, आप जी को अपने मूल ठिकाने का और मूल मालिक का नामो निशान मिटा दिया। इसने अपने को भगवान सिद्ध कर लिया, स्वर्ग और महास्वर्ग ब्रह्मलोक तक की आपकी बुद्धि को सीमित कर दिया। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं कि जब से तुम यमुद से हमसे भी छुड़ कर आए हो अपनी नालाकी के कारण, उसी दिन से आप महादुखी हैं। लेकिन आप जी को उस यथार्थ सुख का ज्ञान नहीं, इसलिए आपने यहाँ के इस नकली सुख को, इस झूठे सुख को सुख मान लिया, क्योंकि इसका विकल्प आपके पास रहा नहीं। परमात्मा बताते हैं, झूठे सुख को सुख कहे। पुण्यात्माओं, जो अध्यात्म ज्ञान है या यहाँ का यथार्थ व्यवहारिक ज्ञान है, वो परमात्मा ही आकर बताते हैं। अन्यथा जीव बुद्धि तो अपने जीव सतर्क ही होती है, वो उतना ही सोच और कर सकता है, और परमात्मा ही आकर के जीव को फिर, जैसे मानव शरीर प्राप्त है तो मानव के कर्तव्य से भी परिचित परमात्मा ही कराते हैं। आपके समक्ष बहुत बार वेदों का भी प्रमाण दिया, क्योंकि वेदों को हम सत मानते हैं, इसलिए जो वेदों में लिखा है वो भी हमें अभी तक प्राप्त नहीं था। परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। और फिर भी जड़ को अंधरा और पत्ते खोआवे फूल खो चढ़ावे और भूल गया सृजनहारा। तुम उस यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होने के कारण अपनी जीव संज्ञा में ही जो क्रियाएं करते हो मनुष्य जीवन की, उनको फाइनल मान रहे हो। अब वेदों में भी प्रमाण दिया है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने सतलोक से चलकर आते हैं, वो विशेष आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी पुण्य आत्माओं को मिलते हैं और उनसे अपने ज्ञान से और अपने आप से परिचित कराते हैं। फिर वो संत और स्वयं परमात्मा भी इस यथार्थ ज्ञान को फिर आवाज़ लगा लगा कर उच्चारण करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हे।